Hello everyone. What if I say that the way you shampoo your hair affects your hair health, your hair luster, your hair shine also? आप जिस तरह से बाल धोते हैं उससे भी आपकी हेयर ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू शैम्पू योर हेयर एंड व्हाट आर द हेयर वॉश डूज एंड डोंट्स। सबसे पहले जब आप बाल धोएंगे तो सबसे पहली चीज ये कि यूज अ वाइट टूथ कॉम्ब टू डीटैंगल योर हेयर। जो आपके टैंगल्स हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज अ वाइट कॉम्ब। वाइट कॉम्ब की वजह से ब्रेकेज नहीं होता एंड बाल इजिली सेपरेट हो जाते हैं। The second step is use shampoo for hair wash. पहले आप कैसे करेंगे shampoo? पहले आप lukewarm water से बालों को गीला कर लीजिए and after that shampoo लेके cleanse thoroughly your scalp and your hair. आप tips से roots plus scalp में. Don't forget to massage a little bit on your scalp because that promotes a good circulation and जिसके वजह से आपके hair growth में भी फर्क पड़ता है। तो मसाज करने के बाद शैम्पू लगाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज रिंस विद अ कोल्ड वाटर। जब आप ल्यूकोम वाटर यूज करते हैं तो आपके क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। ठंडे पानी से वो क्यूटिकल्स क्लोज हो जाते हैं, आपका मॉइस्चर इंटैक्ट रहता है। सो डोंट फॉरगेट अ कोल्ड रिंस। आफ्टर दैट स्विच ऑन टू अ गुड कंडीशनर। कंडीशनर लगाएं, स्कैल्प पे न लगाएं, यू हैव टू अप्लाई ऑन द हेयर टिप्स पे लगाना है आपको और लगा के कीप इट फॉर 5 मिनट्स एंड देन यू कैन वॉश ऑफ। उसके बाद टॉवल ड्राई योर हेयर। टॉवल से आपको ड्राई करना है। द वे यू रब योर हेयर इससे भी आपका हेयर ब्रेकेज एंड ऑल दैट डिपेंड करता है। इसीलिए हल्के हाथों से प्रेफरेबली यूज कॉटन टॉवल्स जिसमें अच्छी तरह से पानी अब्जॉर्ब हो जाता है एंड ड्राई इट वेरी जेंटली। यूज एयर ड्राइंग ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लोअर्स या ड्रायर्स यूज़ ना करें, उसको नेचुरली एयर ड्राई होने दें बिकॉज जब आप ब्लोअर्स या ड्रायर्स यूज़ करते हैं तो उसका हीट आपके हेयर ब्रेकेज को प्रमोट करता है। सो नेवर यूज दीज थिंग्स। उसके बाद ये हो गई कि आप किस तरह से बाल धोएंगे, आप क्या करते हैं, मतलब ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप यूज़ कीजिए अपने डेली इसमें और मैं ये कहूँगी कि इससे आपको ज़रूर फर्क दिखेगा। अब हेयर वॉश के समय व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। सबसे पहली चीज़ ये डीटैंगलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग ल्यूकम वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड डू नॉट फॉरगेट द कोल्ड रिंस। यूज फिल्टर्ड वाटर। क्या होता है कि नॉर्मली जो टैप वाटर होते हैं या फिर बोरिंग का पानी जो होता है इट हैज़ लॉट ऑफ क्लोरीन इन इट जिससे हेयर फॉल ज़्यादा होता है। आई हैव मेनी पेशेंट्स जो ज़्यादा करके हॉस्टल में रहते हैं या इंटीरियर्स में रहते हैं, उनके यहाँ थोड़ी पानी की तकलीफ होती है। सो आई सजेस्ट देम दैट एटलीस्ट फॉर हेयर वॉश यूज फिल्टर्ड वाटर या फिर आप रेगुलरली भी हैं और अगर आपके यहाँ पे बोरिंग का या क्लोरिनेटेड वाटर है सो प्लीज़ अवॉइड दैट। यूज फिल्टर्ड वाटर फॉर योर हेयर वॉश। अप्लाई अ गुड कंडीशनर आपके बालों के लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड योर प्रॉपर डाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इतना सब करने के बाद में आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो हीटिंग प्रोडक्ट्स के पहले कोई स्प्रेज आते हैं, हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रेज, आप वो स्प्रे करके यू कैन गो अहेड विथ योर स्टाइलिंग थिंग्स। तो इस तरह से आप प्रॉपर हेयर वॉश कीजिए और आपको अब समझ आ गया होगा कि आप कहाँ कुछ गलती कर रहे हैं या आपको क्या कुछ नया ऐड करना है। सो दिस इज द वे यू शुड वॉश योर हेयर फॉर अ हेल्दी हेयर। थैंक यू।